ना 3 साल बाद कुछ ऐसा खरीदा तो मुझे तो बड़ा सही लग रहा है। बिजनेस कर लो, ले ले वहाँ बेच दियो, बिजनेस कर लेता हूँ। दीज आर तंदूरी मोमोज और ये बहुत टेस्टी होते हैं। नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और मैं अभी अपने घर पे हूँ और हमारे साथ है मिष्टू राम। हाय मिष्टू, मिष्टू बोलो हाय। नहीं बोलेगा अभी, थोड़ी देर बोलेगा। अपना सेल्फ प्यार, मैं खुद से प्यार जताऊं। पापा और मम्मी हेलो। और सीन ऐसा है कि अभी बस हम उठे हैं, अगेन दिस इज डे इन माय लाइफ। यहाँ का ना हर दिन बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हम US में थे या UK में थे, वहाँ मैं और प्रशांत थे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी मस्ती है। और बस अभी हम लोग उठे हैं एंड आई एम होपिंग जो आज का दिन आप हमारे साथ बिताओ तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। एक और चीज़ जो सुबह सुबह हो रही है वो ये है कि मैं पिज्ज़ा बनाने वाली हूँ। मतलब मम्मी को मैंने हमेशा वीडियो में दिखाया था, तो मम्मी लाइक ऋतु हमने US में खाया था, अब तो यहाँ बना के दिखा फिर हम मानेंगे। हाँ, इसलिए हमने नया ओवन लिया है, पहले वाले में नहीं बनता था हमारा, तो मुझे आता भी नहीं था। तो ठीक, पिज्जा और मम्मी बना रही है डोसा, तो पिज्जा वर्सेस डोसा होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तो हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, ये हमारा लंच होने वाला है एंड आई एम होपिंग मैं जीतूं और मम्मी का टाटा फेस हो जाए। अवन को प्री हीट कर दिया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे प्री हीट होता ही नहीं होता। आई एम रियली स्केयर्ड कि मम्मी ये फट ना जाए, बट मम्मी बनेगा नहीं बनेगा, ओहो मैनुअल भी नहीं मिल रहा हमें, तो हम मैनेज कर रहे हैं। एंड बाय द वे ये हमारा रुको। ओके, तो हमारे अभी पिज्जा बेस रेडी है और हम लोग मोज़रेला चीज यूज करने वाले हैं। ये वाली मिली मिर्च यहाँ पे, और ये हमारे टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है। मम्मी बोल रही है मम्मी ये भी डालेगी, इसकी जगह मैं तो अंगूर डाल देती हूँ। अब वो उसका खराब होगा टेस्ट, तो मम्मी खाने वाली है उसको। और ये ओवन हमने प्री हीट कर दिया है, आई एम नॉट श्योर इसका प्री हीटिंग का क्या सिस्टम है, बट वी आर ट्राइंग टू मैनेज एंड आई थिंक गर्म हो गया है। ओवन का छोटा पिज्जा है रेडी पेडी, हमें उठाओ अपना पीस। अभी सबको एक एक मिलेगा क्योंकि ये ट्रायल था मम्मी। आप मुझे ये बताओ कि US वाले से अच्छा हो रहा है या नहीं? ये बहुत ही अच्छा हो रहा है बेटा, US से भी अच्छा हो रहा है। सच्ची बहुत मजा आ गया यहाँ। ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, डोमिनोज है नदी की, लेकिन डोमिनोज को भी माफ कर रहा था इसने, मजा आ गया। गैस पे भी सेका था इसको? नहीं नहीं, गैस पे नहीं सेका था। डोमिनोज इतना पास है ना यहाँ पे कि मतलब मैं भागते हुए जाऊंगी तो 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। और अभी पापा लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा हम सारा दिन खाना खाते रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, सुबह सुबह खा रखा है तो अभी मतलब पापा बोल रहे फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स फ्रूट्स अच्छा रहेगा। तो ये हमारी बालकनी है और हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं बालकनी में और यहाँ पे हम धूप सेकते हैं, यहाँ पे धूप सेकने का बड़ा कल्चर है। और मुझे अभी तक किसी भी घर में जब से मैं US गई हूँ कभी भी ना बालकनी नहीं मिली, तो यहाँ पे ऐसे मतलब फुल फ्लेज ऐसी पूरी चारों तरफ से बालकनी है, तो हम यहाँ से बैठते हैं और वो बच्चा इधर से उधर भागता है और बस यही चलता रहता है पूरा दिन। और अब हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि वो जो सामान हमने लिया था उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। सो वी गोना गो टू द मार्केट एंड चिंटू हमें लेके जाएगा। चिंटू आप कैसे, आप प्रिविलेज महसूस कर रहे हैं मेरे व्लॉग में आके? आई एम द ड्राइवर। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और यहाँ पे मास्क लगाना जरूरी है, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है और मेरे ना अजीब तरह से यहाँ पे दाना हो गया। आई डोंट नो ये कब जाने वाला है, बट आई थिंक इट लुक्स लाइक बिंदी। तो मिष्टू बच्चा है ना हमारा, वो वैसे बिंदी बिंदी करता रहता, तो अब ऐसे ही हो गया है। और हम वापस से एक्सरसाइज मार्केट जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे कुछ घूमेंगे, खाएंगे, पियेंगे। एंड आज हमारा ड्राइवर भी हमारे साथ जा रहा है क्योंकि ड्राइवर की भी थोड़ी शॉपिंग करा देंगे, हम काफ़ी दिलदार लोग हैं, तो हम सोचा ड्राइवर को भी बराबर इज्जत देते हैं अपने घर में। ठीक है, वहाँ जाके मिलते हैं। मार्केट आपने देखी हुई, सो आई वॉन्ट शूट दैट मच, बट हाँ एक्सपीरियंस दिखा दूंगी आपको। पर शॉप में आ गए हैं एंड यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पे ना आके ऑनेस्टली मेरा ना मन थोड़ा सा डगमगा जाता है, इतने सारे प्यारे प्यारे सूट्स हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं ना उन्हें थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑप्शंस कभी कभी मिलते हैं। ये भी काफ़ी प्यारा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे आके हम बस ऐसे देख रहे हैं, पसंद कर लिया हम दोनों ने एक एक, तो बस अभी चलते हैं। अभी बस हम ऐसे घूम रहे हैं और हम अपने ड्राइवर को पागल बना रहे हैं।
बोल के लाए थे कि मेरे कपड़े लेने हैं, बट ले चूड़िया रहे हैं, बिंदी रहे हैं, कुर्ता रहे हैं, मेरी दोबारी नहीं आई अभी तक। मैंने 3 साल बाद कुछ ऐसा खरीदा तो मुझे तो बड़ा सही लग रहा है, तो मैं लहंगा पहनूंगी शादी में, तो उसके लिए है। और मजे आ रहे हैं, हम अपने ड्राइवर की भी थोड़ी इज्जत करते हैं, तो उसको हमने भेलपूरी खिलाई रास्ते में तो बस अभी हम ये सब कर रहे हैं, एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप, अभी फिर से हम एक और शॉप पे अंदर जा रहे हैं, तो कर लेते हैं वो भी काम। एक और शॉप में आ गए हैं और यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे झुमकिया और मतलब इतने सुंदर सुंदर इयर रिंग्स हैं, सो वी आर ट्राइंग फ्यू और इनको भी समझ नहीं आ रहा ये या फिर दूसरा कौन सा है आपका, ये अदर वन कौन सा, ये 250 का है, ये पता है वहाँ पे कम से कम 2-2.5 हज़ार का मिलेगा, तो लपेट लो तुम ले 100 वहाँ बेच दियो, कर लो ले ले वहाँ बेच दियो, बिजनेस कर लेता हूँ मैं भी। अभी मैं भी कुछ कुछ ट्राई कर रही हूँ, यही होता है, बट लुक एट द ऑप्शंस यार, ये सारे चोकर हैं और ये रिंग्स हैं और ये झुमकियाँ हैं, ये चांद वाली टाइप कुछ है और वो इधर ये सारे झुमके हैं, मतलब माई गॉड बहुत ज्यादा वेराइटी एंड दे लुक रियली रियली प्रिटी और ऊपर वाले सेट भी है, तो आई थिंक खुद की शादी होती ना तभी अच्छा लगता है। अभी अपन लोग ना ऐसे मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, हम लोगों ने एक एक सूट फाइनल किया, मेरा पिंक है और इनका येलो है, ऑलमोस्ट इन द सेम कलर। और भैया आप आओगे वीडियो में हेलो बोलोगे, भैया ने हमारा ऐसा यहाँ पे ऑल्ट्रेशन की और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सूट्स हैं और हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटा घूम फिर के ये पसंद किया, बट आई थिंक इट लुक्स प्रिटी। एक चीज मैं हमेशा US में मिस करती थी वो है ये, दीज आर तंदूरी मोमोज और ये बहुत टेस्टी होता है, मतलब अलग तरीके के इसके अंदर फ्लेवर्स होते हैं, तो सीन ऐसा होता है ये तंदूरी मोमोज यहाँ बनाते हैं, फिर आई थिंक बटर और कुछ तो चीज़ें मिलाते हैं, नींबू और मसाला, एंड उसके बाद जो फ्लेवर आता है वो काफ़ी अमेजिंग होता है, तो अभी हम लोग ये खाने वाले हैं। तो मेरे फेवरेट तंदूरी मोमोज आर हियर और साथ पे हमें मिली है रेड चटनी और मेयो और अभी हम खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा है। दिस इज रियली रियली अमेजिंग, आप पूरे US में ढूंढ लोगे ना जो ऐसे मोमोज नहीं मिलते हैं, लंदन मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, शायद मिलते होंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट करना, बट ये तो मतलब आहा, तंदूरी मोमोज डायरेक्ट यहाँ से हमने खाया, फ्रेश है, बट आई थिंक थोड़े एक्सपेंसिव हो गए, 100 का है राइट, आई थिंक डॉलर में बोलो सस्ते हैं, बट ठीक है ऐसे यहाँ के हिसाब से महंगे, $1.5 का है, मैं खोल लूँ वहाँ पे शॉप इन मोमोज की, चिंटू आ जाएगा और मोमो वाला भैया बोलेगा चिंटू को, लगता भी हूँ। वी आर बैक होम आफ्टर 4.5 hours of शॉपिंग और पापा मम्मी मिस्टू को संभाल रहे थे और ये लाडू है हमारा, हाय मिस्टू, मिस्टू ए मिस्टू, मिस्टू राम हाय, हेलो हाय, तो मिस्टू के लिए भी चूड़ियाँ आई हैं बाय द वे, मिस्टू बाबू लाओ, मिस्टू ने सारी चूड़ियों का जो क्या हाल किया है वो अलग ही है। बाय द वे अगर आपको मिस्टू पसंद है, जो आई एम श्योर पसंद होगा, तो कायरा तिवारी के नाम से उसका इंस्टाग्राम हैंडल है, जाके देखना और प्यार देना यार, बड़ा प्यारा सा हमारा डोडू बोडू है ये, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखना एंड गो फॉलो हर। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सारी शॉपिंग करी आज, तो मतलब हद मचा दी हमने, सो दैट इज़ अगेन अ लॉट ऑफ फन, थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लाए। तो हमारी शादी की शॉपिंग में हमने लिया एक पिंक सूट जो मेरा है, बड़ा प्यारा प्यारा सा है, मम्मी आपका ये सूट था लेकिन मेरे को पसंद आ गया, मैंने मम्मी का सूट मार लिया, मम्मी को ब्लू सूट मिला जो मैंने पहले लिया था, सो एग्जैक्टली वी हैव गॉट 3 suits एंड इन 3 different colors, सो वी हैव 1 yellow, 1 blue and 1 pink, सो सब एक दूसरे के कॉपी कैट है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये येलो चूड़ियाँ इनकी हैं, पिंक चूड़ियाँ मेरी हैं, और इन्होंने ये लिया और इनके पीयर प्रेशर में मैंने भी कुछ ले लिया ऐसा, और मैंने ये भी लिया, मुझे लगा मैं ऐसे सामान ले लेती हूँ फिर कब मिलेगा सामान, तो मैंने कुछ कुछ सामान लिया है और ये सब सामान भी है, और मिस्टू अपने हमारी पैकिंग का ऐसा सत्यानाश कर रहा है कि मतलब क्या ही बोलें, बट ठीक है। और मिस्टू कैसा था आपके साथ पापा? मिस्टू ने मेरे को दे दी, मिस्टू आराम से रहा, आराम से रहा और खूब फन करा इसने भी, और खूब डांस करता है ये, बहुत अच्छा, और आज इसने यहाँ की लाइट भी निकाल के रख दी धीरे 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 धीरे। चलो तो ये हमारा डोसा बन रहा है, डोसे का मसाला, डोसे का सांबर स्वादिष्ट, और ये है डोसा, और ये भी है अगेन सास बहू की पेशकश,
क्या कहना चाहेंगे आप? ये है डोसा, ये हमारा ना खराब हो गया तवा बड़ा वाला, तो अब ये इसमें थोड़ा सा हो जाता है कर देते हैं, बड़ा तवा खराब हो गया तो ये दो मैसे करना थोड़ा, और ये तो हमारा इतना बड़ा तवा बनता था ये खराब हो चुके हैं। और ये मैडम बटर मसाला भी बना रही हैं, इसमें बटर डाल डाल के फिर हम बटरी हो जाएंगे। बहुत ठीक है, एज़ नाउ ये लोग बना रहे हैं, मैं खा रही हूँ एक 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 एक। मम्मी ऐसा कर लेते हैं, सुनो मम्मी लेते हैं, एक आप बनाना एक मैं बनाऊंगा दिन में, एक सास बहू की पेशकश एक मेरी पेशकश। आए और ये हमारा कोको है। हाय कोको मेलन। हाय, लेकिन मजा आ रहा है भाई। हैं डोसा नहीं होता, ये डोसे होते हैं और ये आते रहते हैं, मतलब एक दो से काम नहीं चलता, तीन तीन खाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे से होते हैं। में एक दो से खाना मुश्किल होता है, पर हम तीन खा लेते हैं। आन दो। और चिंटू मेरा भाई तो पांच छह खा लेता है। तो अभी ये डोसे का पेशकश खत्म हो चुका है, तो अभी हम खाएंगे सांभर भी। हमें एक कटोरी कभी नहीं खाई मैंने वहाँ पे, यहाँ पे खा लेते हैं। और पापा आपको याद है आप मार्केट में जाते थे आप क्या बोलते थे? क्या? सांभर हेल्दी होता है, फ्री मिलेगा, एक एक और खा लो। दो फ्री दो खिला देते थे। सर्दियों में और मजा आता है। सर्दियों में मम्मी पापा बोलते थे सांभर खा, सांभर पियो, सांभर पियो। So this is 10:30 PM in the evening. I am done with all my work today. और आज बहुत सारे मज़े आए, मतलब हम लोग घूमे, खाया पिया, फैमिली टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा मैंने अपना काम भी किया, बट दीज डेज हैव बीन रियली ब्लिसफुल, बहुत मज़े आ रहे हैं। आई एम होपिंग आपको भी वो स्पार्क ना जो मेरी लाइफ में अभी आया है दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना, आगे और भी धमाके होने वाले हैं। टेक केयर।